फ्रेंड्स, मैं हूं शिवाजी और आप देख रहे हैं ऑल इज़ वेल। सिविल इंजीनियरिंग के थ्योरी और प्रैक्टिकल से रिलेटेड अगर ऐसे और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हमारा जो वीडियो है वो फील्ड आई डेंसिटी बाई सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से फाइंड आउट करने के लिए, उसमें जो सैंड यूज़ करते हैं उसकी वर्क डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड पोरिंग सिलेंडर का जो कौन का वेट होता है उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा सैंड है, 1 mm पासिंग एंड 600 माइक्रोन रिटेन। ये हमारा कैलिब्रेटेड सिलेंडर है और ये है हमारा पोरिंग सिलेंडर। यहाँ से हम इसको क्लोज एंड ओपन करते हैं। मैंने 30 kg वेट ले लिया है पोरिंग सिलेंडर में। किसी प्लेन एरिया में रखने के बाद इसे हम ओपन करेंगे। दिस इज द सैंड इन कोन, देन वेट ऑफ सिलेंडर। ये हमारा फॉर्मेट है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वेट ऑफ सैंड इन पोरिंग सिलेंडर बिफोर पोरिंग, जो कि 30 kg हमने लिया था। उसके बाद वेट ऑफ सैंड इन पोरिंग सिलेंडर आफ्टर फिलिंग इन द कोन, जो कि हमारा 27190 आया है। तो वेट ऑफ सैंड इन कोन हो जाएगा वेट ऑफ सैंड इन पोरिंग सिलेंडर बिफोर पोरिंग माइनस वेट ऑफ सैंड इन पोरिंग सिलेंडर आफ्टर फिलिंग इन द कोन। रिपीट दिस प्रोसेस 3 times एंड टेक द एवरेज वैल्यू ऑफ वेट ऑफ सैंड इन द कोन। देन द एवरेज ऑफ दीज 3 values इज 28,2808 इज द वेट ऑफ सैंड इन कोन। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे वर्क डेंसिटी ऑफ सैंड। इसके लिए हम पोरिंग सिलेंडर में ऊपर से 10 mm कम सैंड ले लेंगे। पोरिंग सिलेंडर में 10 mm से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसका वेट आ रहा है 28.50 kg। अभी वेट ऑफ सैंड इन द कैलिब्रेटिंग कंटेनर एंड कोन टू सब्सट्रैक्ट द W1 / W2 एंड वेट ऑफ सैंड इन द कोन WC वी ऑलरेडी फाइंड आउट 2808। एंड नेक्स्ट वेट ऑफ सैंड इन द कैलिब्रेटिंग कंटेनर by subtracting the weight of sand in the calibrating container and cone by weight of sand in the cone. इससे हम calibrating container का volume find out करेंगे। level तक दे दो। हमने volume of calibrating container find out कर लिया है, जो कि आया है 7710। Then we find out the bulk density of sand by dividing the weight of sand in the calibrating container to the volume of calibrating container and repeat this process 3 times and take the average value of bulk density of sand. Friends, इस वीडियो में मैंने सैंड की बल्क डेंसिटी एंड वेट ऑफ सैंड इन कोन फाइंड आउट कर लिया है, जो हम जब फील्ड ड्राई डेंसिटी निकालने जाएंगे फील्ड में बाई सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, तब हमें वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
इसीलिए फ्रेंड्स अगर मैं पार्ट टू में कैसे हम फील्ड राइट डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं वो मैं एक वीडियोज़ बना दूंगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।